हेलो नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, मनोवैज्ञानिक काउंसलर। आप सभी को YouTube चैनल सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिशन डिप्रेशन फ्री इंडिया, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जिस रोग ने इंसानियत को प्रभावित किया है, भारतीयता को प्रभावित किया है, वो है डिप्रेशन। हम सब ने मिलकर के पोलियो को देश से बाहर कर दिया, भारत को पोलियो मुक्त बना दिया। अब बारी मानसिक रोगों की है। पोलियो के साथ साथ हमने बहुत से अन्य शारीरिक रोगों को भी खदेड़ दिया है। अब बारी मानसिक रोगों की है। मानसिक रोग ज्यादा खतरनाक है। ये खतरा और भी बढ़ जाता है जब इसकी पूरी जानकारी ना हो, पहचान ना हो। जब अज्ञानता और अंधविश्वास की शरण मानसिक रोगों को प्राप्त हो जाए, तब ये बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। मानसिक रोगों के बारे में अज्ञानता ही सबसे बड़े खतरे का कारण है। मानसिक रोगों के कारण प्रतिभा को जंग लग जाती है। जैसे पेड़ को आंधी तूफान नहीं गिरा सकता, लेकिन उसके अंदर की दीमक उसे खोखला कर देती है। अगर पेड़ को दीमक लग जाए तो वो पेड़ अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। वो पेड़ बाहर से कितना ही मजबूत नजर आए, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है और थोड़ा सा तूफान हवा का झोंका आने पर भी वो गिर जाता है। इसी प्रकार इंसान को जो अंदर से दीमक की तरह खोखला करने वाला कोई है, तो वो है डिप्रेशन और ये मानसिक रोग। मानसिक रोग इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह काटते रहते हैं और उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं, और वो इंसान इतना कमजोर हो जाता है मानसिक रूप से कि छोटी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी के जीवन में आते ही घबरा जाता है और टूट जाता है। क्या कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है, ये पता कैसे चले? आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्यादातर डिप्रेशन को उदासी के साथ जोड़ा जाता है और उदासी को ही डिप्रेशन समझ लिया जाता है। क्या डिप्रेशन और उदासी में अंतर है? क्या है इसमें मुख्य भेद? आइए जानते हैं। उदासी और डिप्रेशन में अंतर समझें। हाँ, नौकरी छूट जाना, किसी अजीज का दूर हो जाना, बुरे संबंध, कोई दुखद दुर्घटना या घटना या अन्य कोई तनाव जैसे एक व्यक्ति की उदासी के कई कारण हो सकते हैं। हम सभी कभी न कभी उदासी का सामना या शिकार होते हैं। कभी-कभार उदास होना सामान्य बात है। समस्या तब होती है जब हम इसी उदासी से चिपके रहते हैं या चिपक जाते हैं। लगातार उदासी बने रहना ही डिप्रेशन है। हम डिप्रेस और उदास हो जाते हैं। कई बार हमें डिप्रेस या इस उदासी का कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहा हो। इस स्थिति में बाहर निकलने व इसे लड़ने के लिए इसके बारे में ज्यादा समझना होगा। जब हम उदास होते हैं तो हमारी भावनाएं किसी विशेष घटना या स्थिति के कारण जागृत होती है। एक बार वो घटना बदलने पर या समय के बीत जाने पर उदासी भी दूर हो जाती है। दूसरी ओर डिप्रेशन हमारे विचारों, भावनाओं, समझ और व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर सिर्फ एक बात के बारे में उदास महसूस नहीं करते, हर चीज के बारे में हम उदास महसूस करते हैं। हर चीज को लेकर उदासी महसूस करने लग जाते हैं। इस मूड से बाहर आने के प्रयत्न के बावजूद वो भावना पीछा नहीं छोड़ती,
तब ये डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन और उदासी में थोड़ा फर्क है। मुझे उम्मीद है कि हम उदासी और डिप्रेशन में फर्क समझ गए होंगे। जब कोई घटना घटती है हमारे जीवन में, बुरी घटना या दुर्घटना, उसके बाद कुछ समय तक, कुछ दिनों तक उदास होना नॉर्मल बात है, सामान्य सी बात है। अगर वो मूड, उदासी वाली भावनाएं लगातार बनी रहे और उस घटना के बीत जाने के बाद वो भावना किसी और घटना के साथ जुड़ जाए, हमारा मूड, हमारा स्वभाव उदासी वाला बन जाए, नेगेटिविटी वाला बन जाए, तब ये डिप्रेशन के लक्षण के रूप में सामने आता है। तो जब भी इस तरह की भावना या मूड नजर आए हमारे अंदर या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के अंदर, तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो काम है किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करना, उससे राय लेना। जी हाँ, आप हमारे दिए गए नंबर पर भी फोन करके ऑनलाइन काउंसलिंग का फायदा ले सकते हैं, या आप अन्य किसी नज़दीक आपके शहर, इलाके या कस्बे में कोई साइकोलॉजिस्ट काउंसलर है तो आप उससे ज़रूर बात करें, क्योंकि आप मिशन डिप्रेशन फ्री इंडिया का हिस्सा है और आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आपके आसपास वाले जब डिप्रेशन से बाहर आएंगे तभी हम इस मिशन को अचीव कर सकते हैं, इस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मिशन में मेरा साथ देंगे। हम सब ने मिलकर पोलियो को देश से बाहर किया है, तो हम सब मिलकर इस डिप्रेशन को भी इंडिया से बाहर जरूर कर देंगे। इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने अजीज मित्रों में जरूर शेयर करें, ताकि कोई डिप्रेशन या मानसिक रोगों का मरीज इससे लाभान्वित हो सके और उसके जीवन में भी खुशियां आ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।